एसपी ऋषभ झा के निर्देश पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी टीम ने अभियान के दौरान न्यू जेपीसी नक्सली संगठन के 5 अपराधियों मनोज भोक्ता, तारकेश्वर भोक्ता, विनोद गंजू, वीरेंद्र गंजू व मनोज गंजू को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सिमरिया थाना क्षेत्र के बोगादात से 2 व हुरनाली गाँव से 3 कुल 5 पेशेवर उग्रवाद और अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 315 बोर का 2 राइफल, 51 राउंड जिंदा कारतूस, AK-47 का 3 जिंदा कारतूस, एक विदेशी सिक्सर, एक सिंगल शॉट देसी कट्टा व 0K-027Z अंकित 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी पूर्व में जेपीसी नामक नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार 5 अपराधियों ने जेल से ही बाहर निकलकर परमेश्वर साव की हत्या की गंदी साजिश रची थी। परमेश्वर साव पर पुलिस मुखबिर कर उन्हें गिरफ्तार कराने का आरोप लगाकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी मिलकर एक नया आपराधिक गिरोह बनाने के बाद क्षेत्र में छोटी बड़ी घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाकर लेवी वसूलने के प्रयास में जुटे हुए थे। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध हत्या व 17 CLA समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरोह में और कौन कौन से अपराधी शामिल हैं इसकी भी पड़ताल की जा रही है। जल्द ही शेष बचे अपराधियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। गिरफ्तार लोगों के ऊपर चतरा और हजारीबाग जिले के अलग अलग थानों में कुल 9 मामले दर्ज थे। चतरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। पीरी बाजार में संध्या के समय परमेश्वर साव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय यह सिमरिया थाना थान संख्या 521 दर्ज हुआ था और प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही थी कि इस कांड को माओवादियों के द्वारा किया गया है, लेकिन फिर जब हमने अनुसंधान किया, इसमें एसडीपीओ सिमरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जिसमें सिमरिया थाना प्रभारी और बाकी ऑफिसर्स थे। इस टीम के द्वारा जब अनुसंधान किया गया तो ये बात प्रकाश में आई कि एक ग्रुप है जेपीसी करके, जो पहले से भी एक्टिव रहा है उस क्षेत्र में, उसके कुछ सदस्य जब 1-2 साल पहले जेल में थे तब उनको परमेश्वर साव के विरुद्ध उन्होंने ये आरोप लगाया था कि परमेश्वर साव के द्वारा ही उनकी गिरफ्तारी करवाई गई थी, जिस कारण वो जेल में थे। उनके द्वारा एक साजिश रची गई थी जेल के अंदर ही, इसमें 8-9 की संख्या में लोग थे जो विभिन्न कांडों में जेल जा रहे थे अलग अलग समय पे। उनके द्वारा ये साजिश रची गई थी। इनके बाहर निकलने के बाद इन्होंने साजिश को अंजाम दिया और 17 तारीख को गोली मारकर परमेश्वर साहु की हत्या कर दी गई थी। इसमें न्यू जेपीसी के नाम पर करीब 8-9 लोग हैं, जिसमें से 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 3-4 लोग अभी फिरार हैं, उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही है। जो 5 लोग इस ग्रुप की गिरफ्तार हुए उनके नाम मनोज भोक्ता, तारकेश्वर गंजू, विनोद गंजू, वीरेंद्र गंजू और मनोज गंजू हैं। ये लोग पहले से भी आपराधिक छवि के रहे हैं, पहले भी बहुत बार जेल जा चुके हैं, नक्सली कांडों में भी, डकैती में, रॉबरी में, हर तरह के कांड में ये लोग पहले जेल जा चुके हैं, आम साइड में भी। इनके पास से तत्कालीन हमें 2 .315 मेड राइफल मिला है, एक देशी सिक्सर, एक देशी कट्टा सिंगल शॉट और भारी मात्रा में एम्यूनिशंस बरामद हुए हैं। AK-47 के कुछ एम्यूनिशंस बरामद हुए हैं। इसमें कुछ लोग अभी भी फिरार हैं, उनके विरुद्ध हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके पास से जो बचे हथियार हैं उसको भी हम रिकवर करेंगे। ये लोग सारे के सारे लोग क्रिमिनल एंटीसीडेंट इनके हैं पहले से। ये लोग पहले सिमरिया थाना से भी जेल गए हैं और कटकमदाग थाना से, राजपुर थाना से, विभिन्न तरह के कांडों में, आर्म्स एक्ट में, नक्सल कांडों में, रॉबरी के केसेस में, तो सभी के सभी पहले भी जेल जा चुके हैं और जितने लोग भी इस कांड में इन्वॉल्व थे वो कभी ना कभी जेल में रहे थे और वहीं पे ये साजिश रची गई थी। इसको एक तरह से हम रंजिश मान सकते हैं, ये आपराधी की घटना है। इन लोगों को ये परमेश्वर साहु के अगेंस्ट के विरुद्ध इन लोगों ने ये आरोप लगाया था कि इनके द्वारा ही इनकी गिरफ्तारी कराई गई थी पिछली, जिसके रंजिश में इनकी हत्या की गई थी। तो इसको आपराधिक घटना ही हम मानेंगे। एक ग्रुप है जो पहले भी जेपीसी का एक्टिव रहा है, उसके लोग जेल पहले भी गए थे, बहुत सारे हथियारों की बरामदगी भी हुई थी। इनके जेल से छूटने के बाद दोबारा इन लोगों में फिर से अपराध करने की बातें सामने आ रही थी, तो हम इनके पीछे लगातार जनवरी से ही लगे हुए थे और ये पूरा एक गिरोह है। इसको हम 5 लोग अरेस्ट हो गए और बाकी लोग भी जल्दी से अरेस्ट हो गए।